उत्तर प्रदेश के कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरनिया गांव में एक खेत में एक महिला और पुरुष का शव पेड़ से लटका मिला। शव देखते ही गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए और इस दौरान गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों शव पति पत्नी के थे। इसमें पति का नाम जितेंद्र बताया जा रहा है जो साढ़ थाना क्षेत्र के असनिया निवासी है, वहीं पत्नी रूमी हरनिया की रहने वाली है। पुलिस फिलहाल घटना को आत्महत्या मानकर चल रही है और पत्नी के जेवर चोरी होने के कारण दोनों में विवाद बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रूमी रक्षाबंधन में अपने मायके हरनिया गांव गई थी, जहां उसके जेवर चोरी हो गए, जिसके चलते रूमी लगातार परेशान थी। रूमी ने जेवर गायब होने की सूचना जितेंद्र को दी तो वह पत्नी को लेने हरनिया पहुंचा। बताया जा रहा है कि यहां से जितेंद्र रूमी को लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। इसी दौरान रास्ते में दोनों का विवाद हुआ, जिसके चलते दोनों ने ही पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। उधर पुलिस ने आला अधिकारियों को सूचित करने के साथ ही मौके पर फोरेंसिक टीम बुला ली। पुलिस के अनुसार जांच में फिलहाल यही तथ्य सामने आया है कि पत्नी के घर से जेवर चोरी हो गए थे। बाकी अन्य कोई भी आरोप दोनों पक्षों में से कोई लगाता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। कानपुर से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। कहाँ के निवासी हैं? आज एक घटना घटी है तिलोकपुर में आपकी बेटी के साथ में, क्या मामला है उसका? सर उसका पीछे से मामला, हमारी बेटी रक्षाबंधन में गाँव आई थी और रक्षाबंधन करके वापस हो रही थी, तो ये अवधेश नाम का अवधेश और बबलू उर्फ अशोक, ये अवधेश पिता का नाम राम जीवन चतुरी खेड़ा का लड़का, बबलू उर्फ अशोक पिता का नाम मथुरा प्रसाद, ये असनिया का लड़का है। रास्ते में गुंडागिरी किया मेरी बेटी के साथ में, बदतमीजी किया, मारपीट किया और चैन सोने का हार और हार पेटी खींच के ले गए। घर पे सूचना पहुंची, जैसे हम लोग दो तीन लोग घर से मोटरसाइकिल से पहुंचे, वारदात हो रही थी रास्ते में, हम लोगों ने भी अपनी बेटी को बचाया, हमने भी अपने रिश्तेदारों को बचाया। एक लड़का भाग गया, एक पकड़ में आ गया, उसको पकड़ के साढ़ थाने ले गए हम लोग और FIR लिखवाने की हमने बहुत कोशिश किया, हमारी FIR नहीं लिखी गई। ये घटना कितने समय की है? ये तीन तारीख की है, 3 अगस्त की है। आज क्या हुआ है? रक्षाबंधन आज की घट, उसी के चलते दबाव में आ गई हमारी बेटी और दामाद, जिसके कारण ये घटना हुआ। किसी ने दबाव दिया है? नहीं, ये उस घटना के चलते हुई है। एक तो डिप्रेशन में उन्होंने, क्योंकि उनकी जो लूट हुई और उनकी FIR नहीं लिखी गई। किस थाने में FIR नहीं लिखी गई? साढ़ थाने में। क्या कह रहे थे? कह रहे थे आज कल भी हम गए थे, फिर भी हमारी बात नहीं सुनी गई वहाँ पर। क्या कहा उन्होंने कल जब आप गए थे? वो बोले कि अभी कुछ नहीं होगा, बाद में आना, हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। आज दिनांक 8/8/2020 की प्रातःकाल महाराजपुर पुलिस को सूचना मिली कि हरनिया निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू और उनकी पत्नी रूमी उर्फ रचना ने खेत में नीम के पेड़ से साड़ी के फंदे में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया है। मौके पर पुलिस पहुंची है, फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम ने आवश्यक साक्ष्य एकत्र किया है। घटना के कारणों पर प्रत्येक बिंदु पर हम लोग गहराई से जाँच कर रहे हैं कि इस तरह की अवसाद की स्थिति क्यों आई। फिलहाल पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज को मार्चरी भेजा जा चुका है। मौके पर से जो भी आवश्यक साक्ष्य हैं वो एकत्र किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.